मैं शोकी बात संपादक प्रतिवचन न्यूज़पेपर। दोस्तों जिमें कि पूरी दुनिया के इस कोरोना वायरस ने कहर मचाया होया ते साढ़े भारत देश दे विच भी साढ़े मानयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत नूं लॉकडाउन किया गया सी, जिस विच साढ़े भारत देश दे वासियां ने भी बहुत सहयोग दिता, उन्हां दी आग्या का पालन किया। दोस्तों मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल इदां दीआं सांझियां करन आया अज्ज। मेरी कोशिश हुंदी है कि मैं कैमरा फेस ना ही करां, लोकां सामने ना ही आवां, पर अज मैं दुनिया के हालात आम जनता दे मैनू काफ़ी फोन आए, उन्हां दीआं कुछ मुश्किलां मेरे सामने आईया कि जो मैं समझिया कि मैं अज अपने प्रशासन दे नाल सांझिया करां, अपनी जनता दे नाल सांझिया करां। मेरियां यह गल्लां जो भी ने मैं आम जनता दे नाल करन वास्ते नहीं, यह गल्लां मैं चाहना कि मेरियां प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचन, सीएम साहब तक पहुँचन, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा अपने लिए नहीं, साढ़े जो लोग मीडियम वर्ग के लोग ने उन्हां वास्ते मैं कुछ गल्लां करनियां चाहता। साढ़े मानयोग प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन के दौरान कुछ वादे किए सी कि भारत के हर गरीब नू अनाज पहुँचाया जाए, और ये कोई शक नहीं कि साढ़े अलग अलग जिलों के साढ़े डीसी साहिबान जिन्हां दी ड्यूटी लगाई गई कि हर गरीब के घर खाना रोटी अनाज पहुँचाया जाए, जो कि 300, 400 या 500 रुपया रोज़ कमा के अपना घर चलाते सन, क्योंकि उन्हां दा सारा कारोबार टोटल ही बंद हो गया। तो इहदे विच कोई शक नहीं कि साढ़े मानयोग डीसी साहब, अलग अलग जिले के डीसी साहब जिन्होंने पूरी ईमानदारी के नाल उन्हां लोकां तक खाना पहुँचाया कि जिहड़े 300, 400, 500 या 600 रुपया डेली कमा के अपना घर का गुजारा करते सी। मैं प्रशासन की नॉलेज दे विच कुछ गल्लां लैणियां चाहुंदा कि बहुत वधिया गल है कि साढ़े जिहड़े गरीब लोग है उन्हां तक खाना पहुँचा, कोई शक नहीं कि जो देखने विच आया कि हर घर दे विच दो दो तीन तीन महीने का खाना भी पहुँचाया गया। सरकार ने तो जो मदद करनी सी, प्रशासन ने जो मदद करनी सी कीती, उहदे नाल नाल साडा पंजाब एक बहुत ही वधिया सूबा मन्निया गया, जो कि एक सेवा की भावना दिल विच रखता है, और काफ़ी दानी सज्जना ने भी इहदे विच काफ़ी सहयोग दिता जिहदे नाल काफ़ी गरीब लोगों को मदद मिली। तो हुण गल करते हैं आपां माध्यम वर्ग की। मैं डीसी साहब अगे बेनती करांगा कि मैनू काफ़ी लोगों के फोन आए, कुछ लोग तो चलो राशन लैन लई इदां दे भी असीं लोग देखे ने, तुहाडी नॉलेज दे विच भी आ केस आए ने कि जिन्हां ने एक कोलो राशन लिया, दूजे को लिया, तीजे को लिया, चौथे को लिया। तो जिहड़े मीडियम लोग ने गल करते हैं कि गरीब एस सी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, तो एक जनरल कैटागरी वाला भी गरीब हो सकता है। कुछ लोग इदा दे ने कि जिन्होंने अपने घर के भुख के नाल लड़ रहे हैं, पर उन्हां दी हिम्मत नहीं पई कि वह बाहर जा के हाथ फैला के किसी कोलों राशन मंगन जाण। उहदा कारण है कि चलो कुछ लोग तो दानी सज्जन इदा के भी है जिहड़े देखने आए हैं
जिन्होंने राशन दिता पर फोटो नहीं खिचवाइया। तो कुछ दानी सज्जन इदा ने एक थैली दे रहे हैं तो दस बंदे थैली के नाल फोटो खिचा रहे हैं। तो कुछ लोग इदा दे जिन्होंने इसनों अपना बेइज्जती महसूस की कि असी एक थैली लवेंगे दस बंदे साढ़े नाल फोटो खिचाणगे तो साडा जिहड़ा लोगों तक पता लगेगा कि ये लोग भी गरीब ने। तो कुछ लोग जिवें मैं गल की कि 15-20 हज़ार या 25 हज़ार महीने के कमाण वाले जिहड़े लोग आ उन्हां दी कई दी सोच इदा दी हुंदी है कि मान लो 20 या 25 हज़ार रुपया कमा रहे ने महीने का, उन्हां दा इक्को टारगेट हुंदा है कि मैं अपने बच्चे नूं वधिया एजुकेशन देनी है, वधिया स्कूल च पढ़ाना है। कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई अच्छिया डिग्रियां लिया रहे हैं। तो अच्छे स्कूलों च पढ़ाने वास्ते की हुंदा, फीसां भी ज़्यादा हुंदियां, तो वधिया एजुकेशन वास्ते ट्यूशन फीसां भी 3000-4000 एक एक सबजैक्ट की हुंदी है। हुंदा कि 20-25 हज़ार महीने का कमाते हैं, कमा के 20-25 हज़ार रुपया वो अपने बच्चों की पढ़ाई के उपर ही लगा देंगे। जे गल करिए उन्हों का कोई बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं उन्होंने बचता, तो उन्होंने पैसे ना इको टारगेट उन्होंने सी कि असी अपने बच्चों को वधिया एजुकेशन देनी है। वो लोग भी साढ़े समाज के ने, तो मैनू काफ़ी लोगों के फोन आए सर इदा करके साढ़े थोड़ी हेल्प करो, जोड़े मेरे लिंक में लोग सके उन्होंने राशन बाहर मंगना सही नहीं समझिया, वो अपने दोस्तों नू, अपने रिश्तेदारों जिन्हों उन्होंने रिलेशन ने किसी को कह रहे हैं मैं 1000 रुपया दो 2000 दो, वो इदा एक दूजे को पैसा मंग के टाइम पास करना ठीक समझिया उन्होंने। तो उन्होंने लोगों के नाल की हालात चलते पे ने, कि मुश्किल में ने, शायद साढ़े प्रशासन ने इसनों महसूस नहीं किया। तो मैं डीसी साहब अगे यही बेनती करांगा कि जिहड़ी साडी आवाज़ है, साडे सीएम साहब प्रधानमंत्री मोदी साहब जी अगे आवाज़ नूं पहुँचाया जाए, उन्हां लोकां बारे भी सोचा जाए जिहड़े 15-20 हज़ार महीने का कमाते सी पर उन्हां कोल बैलेंस कुछ भी नहीं बचिया। हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन उन्होंने बड़े आराम नाल औखे सौखे हो गए कढ ले, पर अज दे जो उन्हां दे हालात ने बहुत ही मुश्किल विच ने। ते बस मेरा यही मकसद सी अपने उन्हां वीरां वास्ते, भैणां वास्ते, भरावां वास्ते, जिहड़े मीडियम लोग ने अपना गुजारा बड़ी मुश्किल नाल करदे ने, ते जिथे असी आम जनता बारे सोचा गया, गरीबा बारे सोचा गया, ते क्यों ना कोई ऐसी कोई इदा का रस्ता कढ़ीए कि जिहदे नाल किसी की सैल्फ रिस्पैक्ट भी कोई हानि ना होवे, ते उन्हां दे घरां विच भी राशन जिहड़ा पहुँचाया जाए। मैं सारे अपने भैणा अगे वीरां अगे बेनती करांगा, तुहाडी कोई भी किसी तरह की कोई भी मुश्किल होवे, जिन्नी कु मैं अपने वालों तुहाडी मदद कर सकदा, प्रशासन तक तुहाडी आवाज़ पहुँचा सकदा, जरूर पहुँचाने की कोशिश करांगा। ते तुसीं अगर मेरे नाल कोई भी संपर्क करना चाहते हो, साडी कोई भी न्यूज़ जिहड़ी हैगी तुहाडे तक पहुँच सके, तो साढ़े इस चैनल को दैनिक जागरण सबसक्राइब करो, तो मेरा तुम नंबर नोट कर लो 94-644-6240 94-644-6240। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, फिर मिलांगे एक नवी वीडियो के नाल।